नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवी 9 भारतवर्ष। आपके साथ मैं हूं शुभांकर मिश्रा। देश के रक्षा क्षेत्र से इस वक्त एक बहुत बड़ी खबर आ रही है। 12 शॉर्ट स्पैन ब्रिज भारतीय सेना में शामिल हुए हैं और केवल 9 मिनट में यह बताया जा रहा है कि 10 मीटर लंबा पुल बनकर तैयार कर लिया जाएगा। शॉर्ट स्पैन ब्रिज 70 टन वजन का टैंक उठा सकने में सक्षम है। आत्मनिर्भर भारत के तहत इसे बनाया गया है। इस आधुनिक मशीन को सेना और DRDO ने मिलकर इस सिस्टम को विकसित किया है। तो एक बार फिर हम आपको पूरी खबर बता दें, बड़ी खबर है, अच्छी खबर भारत के लिहाज से। खबर यह है कि 12 शॉर्ट स्पैन ब्रिज भारतीय सेना में शामिल हुए हैं। केवल 9 मिनट में बताया जा रहा है कि 10 मीटर लंबा पुल बनकर तैयार हो जाएगा। शॉर्ट स्पैन ब्रिज जो है उनकी खासियत यह है कि 70 टन वजन का टैंक ये उठाने में पूरी तरह से सक्षम है। आत्मनिर्भर भारत के तहत इन्हें बनाया गया है और सेना और DRDO ने मिलकर इसे विकसित किया है। ये शॉर्ट स्पैन ब्रिज पूरा इंडिया में बना है। इसका डिजाइन भी DRDO द्वारा किया गया और प्रोडक्शन L&T द्वारा, और ये हमारा आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य का एक और सफल पूर्वक कदम है। इस ब्रिज के इंडियन आर्मी में शामिल होने से हमारी जो काबिलियत है वो और भी बढ़ेगी। तो उसने किया था सर, बोला था कुछ हो गया हमारे पास, जैसे जनरल हरपाल ने बताया 5 मीटर और 15 मीटर स्पैन के ब्रिज थे, लेकिन ये 10 मीटर ब्रिज की कमी जो है हमेशा महसूस होती थी। इस ब्रिज के आने से ये जो कमी है वो भी अभी पूरी हो जाएगी। इससे हमारे जो मैकेनाइज फॉर्मेशन है ज़्यादातर हमारे वेस्टर्न फ्रंट पर है, उनकी काबिलियत बहुत बढ़ेगी और जो ऑपरेशंस की रफ्तार है उसमें भी तेजी आएगी। उधर भारतीय सेना को आज मेक इन इंडिया के तहत बने 12 शॉर्ट ब्रिजिंग सिस्टम सौंपे गए। 10 मीटर लंबे इन मशीनों को देश की पश्चिमी सीमा में तैनात किया जाएगा। आखिरकार देश में बने इस आधुनिक सिस्टम की खासियत क्या है, हमारे संवाददाता सुमित चौधरी की, हम आपको ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट दिखाते हैं। कहते हैं कि सक्षम भारत बनने के लिए भारत के लिए बहुत जरूरी है कि भारत आत्मनिर्भर बने, और आत्मनिर्भर भारत बनने की पहली मिसाल या पहली तस्वीरें कुछ हम आज सुबह आप तक पहुंचा रहे हैं। सबसे महत्वपूर्ण है कि भारत के ये मैकेनाइज जो पुल हैं, ब्रिजेस हैं, ये आज भारत के पास करीबन 12 ऐसे ब्रिजेस आए हैं। यानी इन ब्रिजेस को अगर आप देख रहे हैं, ट्रकनुमा ये ब्रिजेस हैं, ये ऐसे इलाकों के अंदर काम करते हैं जहाँ पर फॉरवर्ड एरिया में नदी नाले रास्ते रोकते हैं। तो ऐसे में इन ब्रिजेस के इस्तेमाल से करीबन हमारे हैवी आर्टिलरी गन्स, हमारे टैंक्स, 70 टन से ज़्यादा चीज़ें जो हैं वो एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाई जा सकती हैं। इनकी जो पूरी आप कह सकते हैं कि जो इनकी लंबाई है वो करीबन 10 मीटर की करीब होती है। 10 मीटर के पैच को ये आसानी से पार कराने के लिए सक्षम होते हैं। इससे ना सिर्फ इन्फेंट्री यानी जो जवान है हमारे वो पार कर पाते हैं, बल्कि इससे हैवी आर्टिलरी गन्स या फिर आप कह सकते हैं कि हैवी टैंक जो हैं 70 टन के वो भी पार हो जाते हैं। अगर आप देखें तो ये DRDO भारत सेना और खास तौर पर जो कंपनी है उसकी तरफ से बनाया गया है। यानी कंपनी यानी लार्सन एंड टर्बो लिमिटेड जो है उस कंपनी की तरफ से बनाया गया। करीबन 490 करोड़ के करीबन ये ब्रिजेज हैं, 12 ब्रिजेज हैं जिनको आज हैंडओवर किया जाएगा। आर्मी को खास तौर पे जो आर्मी चीफ है उनको हैंडओवर किया जाएगा। ये इंजीनियरिंग विंग जो है भारतीय सेना के उसके साथ सहयोग के साथ इसको बनाया गया है। और अगर आप देखें ये पूरा का पूरा जो ये पूरा जो पुल है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, खासतौर पे हमारी फॉरवर्ड मोस्ट लोकेशंस में हमारी तैयारियों को लेकर, और हमारी तैयारियों से ज़्यादा हमारे अगर आगे आने वाले वक्त में हमको और ज़्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़े तो फॉरवर्ड मोस्ट लोकेशंस में ये ऐसे ट्रक या फिर ऐसे ब्रिजेस हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। हमने की गलती फिर एक बार, कोरोना ने किया दोबारा प्रहार। मास्क, 2 गज दूरी, करें अपनी सुरक्षा पूरी। कोरोना टीका हम सबको लगाना है, मिलकर साथ समझदारी से कोरोना को हराना है।